अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। चार दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। पवन सिंह अब काराकाट पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात श्रेया के पिता से हुई है। जी हां, पवन सिंह जो है वो काराकाट पहुंच गए हैं और ऐसे में वो श्रेया के पिता से मिले, यहां तक कि उन्हें आश्वासन भी दिया कि वो जल्द से जल्द श्रेया को न्याय दिलाएंगे। इसके अलावा वो श्रेया की माताजी से नहीं मिल पाए क्योंकि उनकी हालत अभी मिलने वाली नहीं है। एक बेटी को खोने के बाद उनका दर्द किसी घाव से भी ज़्यादा गहरा हो रखा है और ऐसे में उनसे मिलना अभी मुमकिन नहीं है। अब जो कि पवन सिंह से श्रेया हत्याकांड को लेकर कई सवाल किए गए हैं, तो ऐसे में पवन सिंह ने साफ कह दिया है कि वो श्रेया के लिए, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने इस परिवार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो वो इस लड़ाई में अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन वो श्रेया को न्याय दिलवा कर ही मानेंगे। इसके अलावा पवन सिंह ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि अगर मुमकिन हुआ तो वो बिहार के सीएम के पास भी जाएंगे। जी हाँ, पवन सिंह का कहना है कि अगर मुमकिन हुआ तो वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास जाकर भी बारे में बातचीत करेंगे ताकि वो श्रेया को जल्द से जल्द न्याय दिला सके। चार दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। स्वयं जाइएगा भी आप? जी सर, मैं जाऊंगा। ये एक वाकई में बहुत बड़ी बात कह दी है पवन सिंह ने। हालांकि प्रशासन जो है वो काफी वक्त से इस हत्याकांड पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उनके हाथ में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसके अलावा बीते मंगलवार को पवन सिंह की टीम ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाई तो वो पूरे बिहार में आक्रोश फैला देंगे, आग लगा देंगे पूरे बिहार को। तो क्या लगता है आपको, क्या पवन सिंह का ये ऐलान करना कहीं ना कहीं श्रेया को न्याय दिलाने में आसानी कर सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।